जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। आप अगर इलिजिबल होंगे तो पहले ही पता चल जाएगा, नहीं इलिजिबल होंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा, तो आप चेक भी कर लीजिएगा। अगर इलिजिबल होंगे तो आप बना भी सकते हैं। तो वह कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढ लेना है। तो देखिए ये रहा क्रोम ब्राउज़र, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो आप कोई और पेज यूज किए होंगे तो आपका अगर सर्च करने वाला पेज नहीं आता है तो ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में न्यू टैब जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये सर्च करने वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च बार में लिखना है PMJAY बेनिफिशियली। देखिए इतना ही लिखे तो ऊपर भी आ गया है, नहीं तो आपका जहाँ से सर्च होता है वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा वहीं से क्लिक होता है। उसके बाद फर्स्ट वाला लिंक देख लेना है, beneficially.nha.gov रहता है इसका वेबसाइट है। उसके बाद फर्स्ट वाले बेनिफिशियली पोर्टल जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ लोकेशन के लिए परमिशन के लिए कुछ अलाउ मांगता है, तो आप अलाउ कर दीजिएगा और इसको कैंसिल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये हट जाएगा। उसके बाद में ये डेस्कटॉप साइड में नहीं आया, आप चाहिएगा तो डेस्कटॉप साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में बहुत छोटा हो जाता है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, डेस्कटॉप साइड में करके नहीं बताऊंगा। तो नीचे की तरफ आपको आना है, देखिए नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद में यहाँ बेनिफिशियली मतलब आप खुद से अपना कर रहे हैं मोबाइल से ही, तो बेनिफिशियली पर ही रहने दीजिएगा। उसके बाद कोई ऑपरेटर है तो ऑपरेटर वाले पर क्लिक कर सकता है, तो आप ऑपरेटर नहीं है तो इसी पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद में आपको एक 10 अक्षर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए मैं लिख करके आगे आपको बताता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर लिख दिए, उसके बाद वेरीफाई जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा थोड़ा समय लगेगा, देखिए वेरीफाई हो चुका है। एक OTP आपके मोबाइल पर आ चुका हुआ, OTP यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड जो लिखा हुआ देख करके इस बॉक्स में आपको सही सही लिख देना है। अगर ये कैप्चा कोड आपको नहीं समझ में आता है तो इस सिंबल के निशान पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड अपना चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये चेंज हो गया है, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। उसके बाद में ये कैप्चा कोड देख करके यहाँ सही सही लिख देते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, यहाँ लॉगिन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोकेशन के लिए बार बार परमिशन मांगते रहता है, तो इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद कैंसिल पर क्लिक कर देना है, तो मतलब ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कीम तो सिलेक्ट ही है, उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद इसमें सब स्टेट आ जाता है, तो आप अपना स्टेट ढूंढ लीजिएगा, आपका जो भी स्टेट होगा वो चूज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेट आ चुका है, उसके बाद में सब स्कीम भी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में इसमें देखिए सारा डिस्ट्रिक्ट आ गया है, आप खोज सकते हैं, नहीं तो अपना 1-2 अक्षर अपने डिस्ट्रिक्ट का लिखिएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। देखिए मैं 1-2 अक्षर लिखते हैं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुआ। उसके बाद सर्च बाय लिखा हुआ तो वहाँ उस पर क्लिक कर देना है। उससे जैसे क्लिक करिए आप किससे सर्च करना चाहते हैं, तो आधार नंबर से सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन आधार नंबर से ही सबसे अच्छा रहेगा, तो आधार नंबर वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 12 अक्षर का आपका जो आधार नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना है, नंबर लिख दे। उसके बाद ये आई का निशान है, उस पर क्लिक करके आपने क्या आधार नंबर लिखा है वो देख भी सकते हैं। उसके बाद में सर्च बार जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए ये सर्च हो जाएगा, अब नो एलिजिबल है तो नो बेनिफिट फाउंड इन गिवन सर्च कैटेगरी। पैन कार्ड बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर एलिजिबल आएंगे तो सब कुछ लिखने को नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो मैं एक
जो एलिजिबल है वो आधार नंबर आपको लिख देता हूँ, उसके बाद अगला पेज खुल जाएगा, उसके बाद में आपको KYC करके नया बनाने के बारे में को बताऊंगा। तो मैं एक दूसरा आधार नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद ये सर्च जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, देखिए ये वाला पेज खुल गया, तो आप एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट पेज खुल गया, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फैमिली आईडी, सब फैमिली मेंबर का नाम भी दिया होगा, मतलब आपके फैमिली में जितना भी आदमी है सबका नाम दिया हुआ, उससे क्या रिलेशन है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, किसका किसका बना हुआ है, सबका दिखा रहा है, वेरीफाइड अप्रूवल दिखा रहा है हरे कलर में, वो सबका बन गया है। पीले कलर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे नो जनरेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं बना हुआ है। अगर किसी का नहीं बना रहेगा तो सबका ऑरेंज कलर में ही लिखा रहेगा, नो जनरेटेड लिखा रहेगा। तो यहाँ पे जो सिंबल है आपको दिखाई पड़ता होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो यहाँ वेरीफाई जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद में अलाउ जो लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ तीन में थर्ड आ जाता है, लेकिन आधार OTP सबसे अच्छा तरीका होता है, तो उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, NHA की तरफ से एक OTP आ जाएगा, तो OTP आपको आधार वाला यहाँ पे लिखना और NHA वाला यहाँ पे लिख देना है। दोनों में OTP लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज हो जाएगा, देख लीजिए ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज हो गया। उसके बाद में ये सब वेरीफाई हो चुका है, हरे रंग का ट्रिक लग चुका है। उसके बाद नीति एथुकेंडेंट लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ये अगला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे में KYC करना है, तो तीन ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन आधार OTP से हम कर रहे हैं, तो आधार OTP पहले पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए नीचे हमारा आधार नंबर आ चुका है, लास्ट का 4 डिजिट, उसका वेरीफाई जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला पेज खुला, इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते, नहीं तो नीचे एक बॉक्स है उस पर ट्रिक कर देना है, और नीचे अलाउ लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपकी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आएगा, और NHA की तरफ से जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर किए हैं उस पर एक OTP आएगा, तो आधार वाला OTP वहाँ पर लिख देना और NHA वाला OTP यहाँ पर लिख देना है आपको। OTP जैसे दोनों में लिखे होगा उसके बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज हो जाए। यहाँ पर आपका मैचिंग स्कोर दिखाता रहता है, 80% हो जाए होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कम रहेगा तो भी चलेगा। तो कैमरा के निशान जो है उस पर क्लिक कर देना है, लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद यह कैमरा आपका ओपन हो गया, अब अपना एक फ़ोटो कैप्चर कर लीजिएगा, और नीचे कैप्चर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आप नया फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके नया फ़ोटो भी लगा सकते हैं, तो नीचे प्रोसीड जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइएगा, आयुष्मान कार्ड में आपको एक मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद में वेरीफाई जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वही मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा, हरे रंग का ट्रिक लग जाएगा। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर NHA की तरफ से एक OTP आएगा, OTP देख करके यहाँ पे सही सही आपको लिख देना है, OTP लिख दिया जाएगा। उसके बाद में ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, देखिए हरे रंग का ट्रिक लग चुका है। उसके बाद में नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में जो आपका डेट ऑफ बर्थ का साल होगा वो आप सिलेक्ट अपना कर लीजिएगा। उसके बाद में कोई यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है आपका, उसमें अगर चेंज करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप अपना रिलेशन चेंज कर लीजिए। उसके बाद नीचे में पिन नंबर या का जो भी 6 अक्षर का पिन नंबर होगा वो लिख देना है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपका स्टेट का नाम सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट है, यहाँ पे रूलर मतलब ग्रामीण सिलेक्ट है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप शहरी है तो चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद में नीचे में सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे विलेज लिखा हुआ है, तो विलेज वाले पर क्लिक करिएगा, आपका जो भी विलेज होगा वो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे जो सबमिट लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उस पर क्लिक कर जाएगा ओके डन, मतलब आपके ये हो गया। हरे कलर का ट्रिक लगा नीचे आपका लिख दिया है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा फिर पिछले वाले पेज पर आ जाएगा, मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है, ये बन चुका है। आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं, अभी जो आपने KYC किया हुआ देखिए वेरीफाई हो चुका है, अप्रूवल लिख दिया है। लेकिन अभी आप डाउनलोड का सिंबल जो है उस पर क्लिक करके अगर डाउनलोड करना चाहिए तो अभी डाउनलोड ये नहीं होगा, आपका इस प्रकार का लिख देगा जैसा मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। तो थोड़े देर के बाद आप डाउनलोड करिए, मैं डाउनलोड करना भी आपको बता दूँगा। आप अगर YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मैं ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।